हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक छोटा सा शेयर, एक छुपा रुस्तम शेयर, जिसकी वैल्यू हर किसी को नहीं पता होगी क्योंकि इतनी डिटेल इतनी डेप्थ में कोई जाता ही नहीं है। अभी देखिए, आज की डेट में 48 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो लाइम लाइट में जरूर आया है ये शेयर। साथ के साथ अगर मैं देखूँ, सबसे ज्यादा फायदा इस कंपनी को अगर मिल रहा है तो जो अभी प्लास्टिक बैन की बातें चल रही थी, जो कार्यवाही हुई है प्लास्टिक बैन के ऊपर, उसकी वजह से इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो रहा है और आने वाले टाइम पे फायदा हो सकता है, बढ़िया फायदा हो सकता है, नो डाउट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले कुछ टाइम से भी इस स्टॉक ने बढ़िया परफॉर्म किया है। मिड कैप और स्मॉल कैप की गिरावट के बाद थोड़ा सस्ते में जरूर आ गया था, लेकिन अब दोबारा जर्नी इन अपवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। जरा देखते हैं स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल को, और साथ में इस 48 रुपीज के डिविडेंड को देखते हैं, और रिकॉर्ड डेट कब है, उन सारी बातों को जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद। फिलहाल मैं स्टॉक के बारे में आपको लेके जा रहा हूँ डिटेल में। देखिए इस स्टॉक को देखिए, 2008-2009 में बहुत ही नीचे 100 रुपए के लेवल तक आ गया था, और 100 रुपए से जंप लेना, बिल्कुल सीधे जंप लिया, ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास था, कुछ ही टाइम में ये चला गया। लेकिन उसके बाद एक साइडवेज ट्रेंड चला बहुत टाइम तक। ये मान के चलिए कि 2011 से लेकर 15 चार साल तक पूरा का पूरा डाउनसाइड इसका चला, और 2015 के बाद इसमें बड़े प्लेयर्स ने खरीदारी करी और स्टॉक ने फिर से रैली दिखा के 1600-1700 के लेवल तक का सफर तय किया। फिर स्टॉक में गिरावट आती है, और गिरावट के बाद अब जाके ये अगस्त 2019 के बाद जंपिंग मोड में आया है और धीरे धीरे करके जंप कर रहा है, और बाइंग इसमें देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम जो है, पहले नाम देखिए, फिर काम देखेंगे, फिर डिविडेंड देखेंगे। चैवियट कंपनी लिमिटेड इसका नाम है। अब इस कंपनी को देखिए, इसका मेजर काम है जूट के प्रोडक्ट्स बनाना, जूट के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग। अब जूट के प्रोडक्ट्स, अब जूट कहते हो भैया, जैसे जूट के बैग्स आते हैं बहुत सारे। अब इस कंपनी के डिटेल देखिए, काम देखिए, उससे पहले इसकी फंडामेंटल देखते हैं। 561 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्राइस 860 के आसपास है, लेकिन बुक वैल्यू 990 की है। जरूर समझे, हर 10 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा तक के देता है, इतना कोई कमा के नहीं देता। प्रॉफिट ग्रोथ भी है, डेट ना के बराबर है, पीजी रेशियो अच्छा है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखिए, इयर्स में धीरे धीरे करके ग्रो हुआ है, और आज की डेट में 450 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नहीं थी, अब पिछले कुछ सालों में ऐसा लग रहा है कि 50 करोड़ के पार ये प्रॉफिट कमाने लग गया है। अगर मैं दिसंबर के नंबर्स देखूं तो देखिए, दिसंबर 2019 का नंबर 114 करोड़ की सेल हुई है, जो कि अमूमन दिसंबर में बढ़िया ये सेल है। अगर मैं देखूं यहाँ पे 2017 में 90 करोड़ की थी, 2018 में 109 करोड़ की थी, और अभी के टाइम पे 114 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 18 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर 2017 में, दिसंबर 2018 में मात्र 12 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 16 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इसने। चलिए ये नंबर्स तो आपने देख लिए, लेकिन बात हम डिविडेंड की कर रहे थे, तो स्टॉक का अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस बार का डिविडेंड काबिले तारीफ है। रिजल्ट जो ये जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट आज 14 तारीख को इसकी हुई है, 48 रुपए का डिविडेंड। कोई कहेगा आपसे 480% का डिविडेंड है, इसको मत देखा कीजिए भाई, ये फेस वैल्यू पे होता है। अगर ये 1 रुपए की फेस वैल्यू होती तो आपको गई है 4800% का डिविडेंड है, ये रुपीज देखा कीजिए, 48 रुपीज का डिविडेंड, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसकी रिकॉर्ड डेट जो कब रखी गई है वो भी इंपॉर्टेंट है देखना। रिकॉर्ड डेट इस स्टॉक की रखी गई है, इस डिविडेंड की रखी गई है 28 फरवरी। अब कंफ्यूजन आता है कि भाई मैं शेयर को कब खरीदूं, मुझे डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई ये चीज अगर आपको देखनी है तो भाई आप जाइए टेक्निकल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है इसके लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, ताकि मैं शेयर कब खरीदूं आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब 28 फरवरी की रिकॉर्ड डेट है, अगर आपको डिविडेंड के बारे में जानना है तो उस चीज को ध्यान रखें। फिलहाल अगर इस स्टॉक का देखा जाए कि भाई ये डिविडेंड 48 रुपए का स्पेशल इंटरिम डिविडेंड के नाम से दिया गया, स्पेशल क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को यहाँ पे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट भी करना है, तो भाई डिविडेंड तो देना पड़ेगा। और डिविडेंड आपको 14 मार्च से पहले पहले आपके अकाउंटों में जो है क्रेडिट हो जाएंगे,
ये भी अच्छी बात है। अबे स्टॉक की इतनी डिटेल तो हमने देख ली, सबसे इंपॉर्टेंट बात और जान ली, ये एनएससी पे लिस्टेड नहीं है, दिस स्टॉक इज ओनली लिस्टेड इन बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ये तो अच्छी बात है भाई। अब देखते हैं टेक्निकल, टेक्निकल पे जैसा मैंने आपको मंथली परफॉर्मेंस दिखाई थी और स्टॉक ने अभी रिसेंटली 550 के लेवल का लो बनाया था और उसके बाद ये पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। जाते हैं वीकली पे, समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक का बॉटम पॉइंट। एकदम धड़ल्ले से जब मिड कैप और स्मॉल कैप में लास्ट ईयर गिरावट आई थी तो इस स्टॉक में भी बड़ी गिरावट आई थी। आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्टॉक में बड़ी गिरावट आई थी, जब 2018 के मैं जनवरी के टाइम फ्रेम पे एकदम पीक पे थे मिड कैप और स्मॉल कैप को, तो ये शेयर भी बिल्कुल अपने पीक पे था। पीक पे जाते जाते ये मान के चलिए कि 1720 के लेवल का इसने हाई बनाया। स्टॉक नीचे करेक्ट होता है, करेक्ट होने के बाद फिर से हाई बनाता है और दिस इज अवर लोअर हाई। आप देख सकते हो यहाँ पे लोअर हाई के साथ साथ हमारा ये देखिए लोअर लो भी बन जाता है, जो कि आपको क्लियर कट बता दे रहा है भाई लोअर हाई बन गया, लोअर लो बन गया है। अब भाई अब तो निकलने का बारी आ गई। आप देख सकते हो फिर से एक बार लोअर हाई बना और आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये करेक्शन थी। करेक्शन आते आते धीरे धीरे शेयर बिल्कुल निचले यानी कि 500 के लेवल तक यहाँ पे पहुंचता है, लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि स्टॉक में पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिली। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये जो डाउन ट्रेंड की लाइन चल रही है वो धीरे धीरे पार जरूर हुई, स्टॉक ने रैली लेने की कोशिश की और 807 के लेवल तक जरूर गया यहाँ तक, लेकिन फिर से जब यहाँ पे सेलिंग हुई तो स्टॉक नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे खरीदारी हुई, ऐसा लगा कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे धीरे धीरे करके माल उठा रहा है। जैसे ही प्राइस ऊपर गया उसने उसी माल में से, जो मैं आपको बताता हूँ रेंजेस का, उसी माल में से कुछ हिस्सा बेच लिया और प्राइस को फिर नीचे ले आया। कुछ दिन जब प्राइस नीचे हुआ तो फिर से उसी बंदे ने खूब माल उठाया, माल उठाते जैसे प्राइस फिर से पीक पे गया तो इस लेवल पे जाते जाते वही मुझे लगता है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे हाथ साफ कर रहा था और फिर उसने शेयर को बेच दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे फिर ओवरऑल अगर आप देखोगे कि थोड़ा सा प्राइस फिर नीचे आता है तो फिर से माल उठाया जाता है और माल उठाने के बाद धीरे धीरे अभी फिर रिसेंट लेवल पे सेलिंग यहाँ पे हुई है। अभी तो डिविडेंड आज डिक्लेयर किया है और डिविडेंड डिक्लेयर करने के साथ साथ आप देख सकते हो कि स्टॉक में मेजर जो पॉइंट है वो 873 से 900 की ये रेंज है, ये पार होनी जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक में सोच रहे हो तो। लेकिन छोटा स्टॉक है, रिस्की स्टॉक होता है स्मॉल कैप के शेयर में, हमेशा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि छोटे शेयर काफी रिस्की शेयर होते हैं, तो उसमें ज्यादा पैसा नहीं कम पैसा लगाया जाए तो ही बढ़िया है और स्टॉप लॉसेस एंड ऑल सारी बराबर देखा जाए, क्योंकि इन स्टॉक्स में ये मान के चलिए कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स इतने कम होते हैं कि बायर्स और सेलर भी कई बार एक्टिव नहीं होते, ये मान के चलिए कि बिल्कुल टिक बनता ही नहीं, ट्रेड हो ही नहीं पाती। आप बेचने की कोशिश कर रहे हो तो शेयर को बेच नहीं पाओगे, खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो शेयर को खरीद नहीं पाओगे, इस तरीके से बहुत होता है इस शेयर में। अब छोटे शेयर्स में अक्सर की आज की डेट में आपने देखा होगा, ये देखिए आज की डेट में स्टॉक में जैसे ही डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई तो 800 रुपए का शेयर सीधे 870 के आसपास चला गया। देखिए अभी तो रिकॉर्ड डेट जब तक आएगी तब तक शेयर और पीक पे चले जाएगा, लेकिन ये शेयर की अच्छी बात ये दिखी मुझे कि ये देखिए बॉटम बनाते हुए, पहले ये इसका बॉटम था, उसके बाद ये रेंज धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है और धीरे धीरे ऊपर का अपसाइड मोशन, जो अपसाइड पोर्शन है वो फिक्स है। अभी धीरे धीरे ये रेंज कम होती जा रही है, देखिए रेंज कम होती जाते और कम होते होते अब ये स्टॉक इस अपने रेंज को, जो अपर रेंज है उसको ब्रेकआउट के लेवल पे आ चुका है। देखिए प्रॉफिट अच्छा है, प्लास्टिक बैन का फायदा जरूर मिल रहा है, लेकिन डिविडेंड का अमाउंट काफी बड़ा, मैं कहूंगा 48 रुपए का डिविडेंड, बढ़िया डिविडेंड यहाँ पे। अगर 800 रुपए के प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 6% का यह डिविडेंड बहुत ही बढ़िया। अब इस स्टॉक को आपने ओवरऑल देखा कि भाई कैसे इसके टेक्निकल है, कैसे इसके फंडामेंटल है। चैवियट कंपनी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो सीधे सीधे चैवियट ग्रुप को सर्च कर सकते हो, ये जूट इसका मेजर बिजनेस है, ये पूरा का पूरा ग्रुप है। देखिए टी पे भी काम करता है, लेदर पे भी काम करता है, लेकिन मेजरली यहाँ देखिए जूट का ये फ्लैगशिप कंपनी इसकी चैवियट ग्रुप के जो फ्लैगशिप है वो जूट का मेजर इसका जूट मिल्स इसकी है। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए जो डिविडेंड दिया है, मैं फिर से इसको एक बार और बताऊंगा कि डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो 28 फरवरी रखी गई है और 14 मार्च तक आपके अकाउंट्स में डिविडेंड आ जाएगा। चैवियट कंपनी लिमिटेड जो एक छोटा शेयर है, स्मॉल कैप का शेयर है, जिसके ऊपर जिसका प्रॉफिटेबिलिटी पिछले कुछ टाइम में धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, डेट बहुत कम है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी देखने को मिल रही है और प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़िया है। तो पहली बार इससे पहले इतना डिविडेंड नहीं देता था ये, लेकिन इस बार इसने दिया है स्पेशल इंटरिम डिविडेंड। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और हाँ, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो,
तो ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में जो ज्वाइन का बटन होता है उसको क्लिक कीजिए और अब मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। वो मेंबरशिप मैंने स्पेशली जो लर्नर्स हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए स्टार्ट कर रखी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।